मेहनत के चक्कर में आपकी लाइफ खराब हो जाती है। सही तरीके से मेहनत करोगे, प्रॉपर तरीके से मेहनत करोगे तो सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा है। आप गोली करो तो बहुत अच्छी गोली करो, जो भी आप कोशिश काम कर रहे हैं लोग अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली आप और अच्छा काम कर सकते हो और थोड़ी टेक्निकल चीज़ें सीख सकते हो कि आप किस तरीके से और स्पेसिफिकली अगर ऐसे फास्ट बोलर आपका एम होना चाहिए कि किस तरीके से 135-140 तक पहुँचना है। ठीक, जब तक आप थोड़े और बड़े होंगे ये गेम और फास्ट हो जाएगा, तो वो 125-130 वाली की स्पेस कम हो जाएगी। लगातार इंप्रूवमेंट के बारे में सोचना है, हर प्रैक्टिस सेशन में जब जाना है तो आपको ये सोचना है कि आज मुझे क्या इंप्रूव करना है। हमेशा अपनी कमियों को पकड़ना नहीं है, आपको ये सोचना है कि मुझे इंप्रूव क्या करना है। मतलब माइंड सेट डिफरेंट हो जाता है, आप सिर्फ ये नहीं सोच रहे हो कि यार कि मैंने क्या गलत किया। आप गलत सोचोगे तो गलती होता रहेगा, आप इस तरीके से सोचो कि मैंने क्या अच्छा किया और मैं क्या इंप्रूव कर सकता हूँ। उस माइंड सेट से आप प्रैक्टिस करोगे तो आप धीरे धीरे और अच्छे डेवलप होंगे। हमारे मतलब कमी क्या होती है ना, हमारे प्रैक्टिस सेशन में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा एनालाइज करते हैं, यार ये खराब हो गया, वो खराब हो गया, ऐसे ये हो गया। आप अच्छे से बारे में सोचोगे ना तो अच्छा भी सोचने को बहुत होता है। एक प्रैक्टिस सेशन से आप बहुत कुछ अच्छा अचीव कर सकते हो, ठीक है ना, और बहुत कुछ अच्छा करने को आपके पास होगा। हमेशा आपके पॉजिटिव माइंड सेट से प्रैक्टिस करनी है, पॉजिटिव थॉट्स होनी चाहिए आपके पास कि हाँ ठीक है मुझे क्या करना है। आपका हर सेशन का प्लान होना चाहिए कि आप जिस सेशन में जा रहे हो कि आज मुझे इस सेशन में क्या अचीव करके जाना है। अगर कोई फास्ट बॉलर आप बॉलिंग कर रहे हो जैसे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि आज मैं नए बॉल से दो डाल के देखता हूँ, तीनों डाल के देखता हूँ, तो मैं दो स्लिप के साथ बॉलिंग कर रहा हूँ तो मुझे कैसे आउट करना है, क्या एरियाज होंगे बॉलिंग में। आज मैं पुराने बॉल से बॉलिंग करूँगा जहाँ पे मैं यॉर्कर्स की प्रैक्टिस करूँगा, स्लो रन की प्रैक्टिस करूँगा, फुली फील्ड से बॉलिंग करूँगा। तो ये आपके सेशंस के प्लान होने चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ आप सिर्फ नेट में आके बॉलिंग कर रहे हो, क्योंकि आप मैच में हर आपकी जो टाइम आएंगे वो अलग अलग जगह बॉलिंग करोगे। आप कभी मिडिल ओवर्स में करोगे, कभी स्लो में बॉलिंग करोगे, कभी नई बॉल से बॉलिंग करोगे। ऐसी स्पिनर्स हैं, आपको ये सोचना कि आज मैं एक ओवर सिर्फ नई बॉल से डालता हूँ पावर प्ले के साथ, मेरी ये फील्ड होगी और मैं फिर बैट्समैन को चैलेंज करूँगा, फिर अब मैं उसके बाद जब मैं बॉलिंग करूँगा ये मेरी खुली हुई फील्ड है, इस तरह से मैंने बॉलिंग करनी। और माइंड सेट बॉलर्स का हमेशा ये होना चाहिए कि किस तरीके से विकेट लेनी है। आप रन बचाने मत जाओ, आपकी एज है रन बचाने वाली नहीं है, आपकी एज ये है कि आप लर्न करो कि बैट्समैन को, आप उस आर्ट को लर्न करो कि बैट्समैन को आउट कैसे करना। आउट करोगे तो रन अपने आप रुकेंगे, ठीक है ना। हमेशा ये होना चाहिए कि आउट करना, आउट करोगे तो आपको विकेट्स भी मिलेंगी, आपकी टीम का भी फायदा होगा और रन भी रुकेंगे। जो बॉलर्स का माइंड सेट होता है वो हमेशा आउट करने के लिए होना चाहिए, स्पेशली ना यंग एज, ठीक है ना। जैसे जैसे आप आगे जाओगे, सीढ़ियाँ चढ़ोगे, अच्छी जगह पे जाके खेलना चाहोगे, तब आप सोच सकते हो कि बॉलिंग पार्टनरशिप में करनी कि यार वहाँ से अच्छा डालो, यहाँ से अच्छा डालो, तब विकेट मिलेंगे। बट अभी जब आप यंग हो तो आपको हमेशा ये सोचना चाहिए कि मैं किस तरीके से विकेट ले सकता हूँ। स्पिनर्स हो आपको टर्न कराने को देखना, फ्लाइट करो चाहे आप फ्लाइट करते हो, थोड़ा तेज़ गति से करते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बॉल टर्न होना चाहिए। मनविंदर एक फीडबैक था जैसे इनको किसी ने कोच में भी दिया था कि T20 में स्पेसिफिकली जो बॉल की जो स्पीड है स्पिनर्स की वो थोड़ा तेज होनी चाहिए, तो इसके बारे में आप क्या सोचते हो कि इनको अपनी स्पीड पर फोकस करना चाहिए? डिपेंड करता है एक्चुअली कि हर किसी की स्किल सेट अलग है। कोई स्पिनर है जो आप देखेंगे, अगर आप शेन वॉन को देखेंगे वो भी IPL खेले लेकिन वो स्लो डालते थे क्योंकि वो आर्ट उनके पास थी। तो हर किसी स्पिनर की अपनी एक आर्ट है। इंपॉर्टेंट ये है कि स्पिनर हमेशा टर्न कराने को देखे, अगर वो टर्न नहीं होगा तो वो स्पिनर नहीं है। अगर आपका टर्न चाहे वो स्लो हो रहा है चाहे तेज़ हो रहा है वो बेटर रहता है। थोड़ा सा तेज़ डालोगे तो बैट्समैन को टाइम कम मिलता है तो थोड़ी सी एडवांटेज मिल जाती है, लेकिन ये है कि तेज़ डालोगे तो टर्न होने के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं क्योंकि बॉल की ट्रेजेक्ट्री बहुत तेज़ हो जाती है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि जब भी आप स्पिन बॉलिंग कर रहे हो, किसी भी पिच पे बॉलिंग कर रहे हो, आप हमेशा आप टर्न कराने को देखो। टर्न नहीं होगा तो फिर बैट्समैन के लिए बहुत ईजी, या फिर कोई भी स्पीड डालो बैट्समैन को फर्क नहीं पड़ेगा। गाइज आपके मन में भी अगर कोई सवाल है, कुछ करना चाहते हो तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इतना अच्छा आपको टाइम मिला है सीखने के लिए। किसी के मन में कुछ भी सवाल है तो आप पूछ सकते हो। सर मेरे में सवाल है कि सर तेज कैसे डालें? तेज के लिए बेटा आपको प्रॉपरली ट्रेन करना पड़ेगा, आपको फिर बहुत सारी चीज़ें होती है। कई लोग एक्शन ऐसे होते हैं कि आप चाह के भी तेज़ नहीं डाल सकते, तो किसी आप स्पेशलिस्ट की हेल्प लगेंगे जो आपको, क्योंकि आप जो मैंने देखा है जो उसमें आप किस तरीके से आपका रनअप है, किस तरीके से आपका एक्शन है, आप किस तरीके से अपने आपको ट्रेन करते हो, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं स्पीड के लिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने सोचा और तेज़ बॉलिंग करनी शुरू कर दी, तो उस तरीके से आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी तब जाके वो स्पीड बढ़ती। और कोई अगर अपने सवाल करना चाहता है? सर मेरे में कुछ प्रॉब्लम है। अभी मैंने क्या बोला, प्रॉब्लम के बारे में सोचते रहोगे तो प्रॉब्लम ही लगेगी। आपको माइंड सेट ये होना चाहिए कि आज मैंने अच्छा क्या किया। अब मैंने बोला ना, हर किसी प्लेयर के साथ यही दिक्कत होती है कि हम हमेशा प्रॉब्लम ढूंढ रहे होते हैं। प्रॉब्लम हर किसी के साथ है। प्रॉब्लम ऐसा कोई नहीं है कि आपका हर सेट नेट सेशन अच्छा जाएगा, राइट? कभी अच्छा जाएगा कभी खराब जाएगा, तो आप अच्छा सोचोगे तो अच्छा ही हो। अभी आपके फेस पे लिखा हुआ प्रॉब्लम के बारे में सोचोगे। आपको ये पूछना चाहिए था सर से कि आज मैंने क्या अच्छा किया। और ये मिस नहीं पूछना, आपको अपने बारे में सोचना, अपने सेशन के बारे में सोचना।
जब भी आप प्रैक्टिस करके निकल रहे हो आप इसमें कोई डाउट नहीं है कि आप कुछ खराब करके निकलोगे, लेकिन उससे कहीं ज्यादा आप अच्छा करके निकलोगे। तो कौन सी चीज ज्यादा चीज करी है? अच्छा ज्यादा किया है ना, तो अच्छे के बारे में सोचो, बुरे के बारे में क्यों सोचते हो, राइट? और जो बुरी चीज हुई है उसको ये सोचना है कि हमने इम्प्रूव क्या कर दिया, ये नहीं सोचना कि मैंने क्या खराब किया। आप ये सोचो कि मैंने उस चीज से मुझे लर्न करके क्या अच्छा करना है। आप सीखने की कोशिश करो, अपने बारे अपने आप को कम मत समझो, अपने आप के बारे में खराब मत सोचो, आप वहां से लर्न करो। और हमेशा दिमाग में होना चाहिए कि यार मैंने आज ये लर्न किया, नेक्स्ट जब भी सेशन होगा नए सेशन में इसको अप्लाई करने की कोशिश करो। ठीक है गाइस, सो थैंक यू सो मच मनविंदर आज के टाइम के लिए। एंड आप सब इस टाइम को बहुत वैल्यू करो, बिकॉज इतना IPL के चैंप हैं, KKR वर्सेस CSK 2012 का मैच आई थिंक आप सबने देखा होगा। उस टाइम में 89 रन्स बनाना 48 बॉल्स में, तो वो इनिंग्स मतलब एक हिस्ट्री हो चुकी है और वो हमेशा रहेगी। तो इस वैल्यूएबल टिप्स को ज़रूर काम में लेके आना। एंड अगर कोई डाउट हो तो सर से आप कभी भी मिल सकते हो, बात कर सकते हो, और मैं तो चाहूँगा आप ये अकेडमी ज्वाइन करो और सर के साथ थोड़ा सा मिलकर काम करो। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।